नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बैठकों के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगाए जा रहे कयासों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है, या कह सकते हैं कि लगाम लगाने की कोशिश की है, जिसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर के बेहद चिंतित है। बीएल संतोष ने ट्वीट कर कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उनको भी काफी सराहा, काफी तारीफ की है उनकी। यही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए दिल्ली से तुलना करते हुए बीएल संतोष ने ये भी कहा कि एक म्युनिसिपैलिटी के सीएम 1.5 करोड़ की आबादी को मैनेज करने में फेल रहे, जबकि योगी सरकार ने 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सब चीजें बहुत कायदे से नियंत्रित कर ली हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, संगठन को मजबूत कर रही है, इसीलिए सारी कवायद भी चल रही है। और इसी कवायद में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने 2 दिन लखनऊ में अपना डेरा डाला हुआ था। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन की कमजोरी और मजबूती को बखूबी समझा और बीएल संतोष ने पहले दिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ 6 क्षेत्रों का दौरा भी किया और प्रदेश मंत्री के साथ बैठक की। दूसरे दिन मंत्रियों को बुलाया और 1-to-1 उनसे मुलाकात की और कुछ मंत्रियों से खुद भी वे मिलना चाहते थे और कुछ ने पहले से ही उनसे टाइम लिया हुआ था मिलने का, सो उनकी मुलाकातें होती हैं। बीएल संतोष ने बुधवार को यानी कि आज सुबह ही एक ट्वीट किया और सीएम योगी की काफी तारीफ की और उन्होंने एक कंपैरिजन भी दिखाया। मुलाकात में जब बीएल संतोष ने कुछ मंत्रियों से पूछा कि अगर आपको संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे, इस सवाल पे कुछ मंत्रियों के एकदम चेहरे लटक गए। वो काफी परेशान हो गए, वो परेशानी उनकी चेहरे पे दिखाई दे रही थी। पार्टी का ये दावा भी है कि यूपी में चुनाव अब नजदीक है, लिहाजा मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना चाहिए और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये बदलाव होगा, सबको दिखाई भी देगा। यूपी के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने 10 से अधिक मंत्रियों से मुलाकात की और उसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल थे। इसके अलावा सरकार ने दोनों प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ सिंह भी शामिल हुए। बीएल संतोष ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर और मंत्री गुलाबो देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे पूरी जानकारी ली। इस मुलाकात में जहां एक तरफ मंत्रियों के विभाग में जनता से जुड़ी हुई योजनाओं का जिक्र था, उनसे फीडबैक लिया गया, वहीं उनसे दूसरी जाति में पकड़ और संगठनात्मक कौशल को परखने की एक तरह की कवायद भी की गई। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने ये कहा कि संगठन की बैठक हुई है और ये माना उन्होंने, इसमें मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चा हुई। यूपी में जो काम चल रहा है उसको तेजी से कैसे चलाना है उसी को लेकर के मार्गदर्शन मिला है, ये उन्होंने फीडबैक दिया। उन्होंने ये भी जोड़ा साथ में कि मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ और सरकार और संगठन के बीच एक तालमेल होता है, एक टाई अप होता है, उसी तरीके से मुझे बुलाया गया था और हमारे संगठन के महामंत्री ने हमारा मार्गदर्शन किया है।
तो दोस्तों ये थी सीएम योगी से जुड़ी हुई खबर, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि न जाने 2 4 दिन में क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्या क्या वहां बदलने वाला है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगला अपडेट मैं आपको दूंगी जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।